तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप फ्रेंड्स सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जिसलिए कि आपको पता है कि हरियाणा स्टेट बोर्ड ने और हरियाणा गवर्नमेंट ने प्राइमरी सेकेंडरी एंड मिडिल स्कूल को क्लोज कर दिया है ड्यू टू कोविड के कारण। तो फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन आ रहा था, क्या सर डिप्लोमा डी फार्मा का जो टेक्निकल एजुकेशन है सर हरियाणा का, उनका क्लोज होगा कि नहीं होगा, उनका जो क्लासेज है ऑनलाइन चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए, और जो पेपर होने वाला है जून जुलाई में, क्या उसका मोड क्या रहने वाला है। एक कॉमन क्वेश्चन मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट का टेलीग्राम ग्रुप पे, मेरे व्हाट्सएप पे, बहुत सारे बच्चे कॉल भी कर रहे हैं मेरे पास। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो के अंदर सारा डाउट आपको क्लियर करूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक वॉच करना, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, एंड इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करना ताकि उसका भी डाउट इससे रिलेटेड क्लियर हो पाएगा, एंड वीडियो को लाइक्स भी कर देना। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, जो भी बच्चे डिप्लोमा डी फार्मा कर रहे हैं हरियाणा स्टेट बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन के अंदर में, तो गाइज उनका अब तक ऐसा कोई ऑफिशियली नोटिस नहीं आया है, ना उनके कॉलेज के ऊपर ना उनके वेबसाइट के ऊपर, कि आपका कॉलेज बंद होने वाला है। लेकिन मैं बता दूं, हरियाणा के 10-12 पॉलिटेक्निक कॉलेज ऐसा भी है जिनका हॉस्टल अप्रॉक्स खाली हो चुका है ड्यू टू कोविड की वजह से। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन झज्जर हो गया, रोहतक, भिवानी, मेवात एंड कुछ पलवल साइड के कॉलेज है जहाँ पे हॉस्टल खाली कर दिया गया है। बच्चे पैनिक सिचुएशन लेकर खाली कर दिए और घर चले गए हैं। जो भी बच्चे आउटसाइड स्टेट है, आउटसाइड कंट्री भी है, कुछ बच्चे नेपाल से भी पढ़ रहे हैं यहाँ पे, वो सारे बच्चे चले गए हैं, हॉस्टल खाली हो चुका है, लेकिन उनका जो क्लासेज है वो रेगुलर ऑफलाइन मोड में लग रहा है, लेकिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा, वो सब चले गए घर। लेकिन मैं बता दूं स्टूडेंट, आपका अभी तक ऐसा ऑफिशियली नोटिस नहीं आया कि आपका कॉलेज स्पेशली टेक्निकल एजुकेशन के अंदर जितने भी कॉलेज आते हैं डिप्लोमा के, डी फार्मा का, उनका कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है। अगर आपके जब भी डायरेक्टर सर, उच्च अधिकारी जो भी है, अगर नोटिफिकेशन डालते हैं कि जो डिप्लोमा के कॉलेज डी फार्मेसी कॉलेज बंद होता है, तो गाइस मैं सबसे पहले आपको अपडेट करूंगा इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आपको उस दिन नोटिफिकेशन पहुँच पाएगा। दोस्तों, मैं बता दूँ कि अभी तक ऐसा ऑफिशियली नोटिस नहीं है कि आपका कॉलेज होगा, आपका कॉलेज एज वेल एज ऑफिशियली नोटिस है, आपका ऑफलाइन मोड में ही अभी तक कॉलेज चलेगा, जब भी बंद होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, एग्ज़ाम का मोड क्या रहने वाला है। तो गाइस, मैं बता दूँ, जो आपका एग्ज़ाम होने में अभी से कम 2.5 से 3 मिनट बाकी है, इट मीन्स आपका जुलाई लास्ट या अगस्त के शुरू में एग्ज़ाम होगा, जैसे कि आपको भी पता है और वेबसाइट पर भी नोटिस आ चुका है, मैंने पहले भी वीडियो आपको बना के दिया था। तो आपका एग्जामिनेशन जुलाई के 17-18 से बोर्ड डेट दे रखा है, लेकिन उसके आसपास मानिए तो जुलाई के लास्ट पे पेपर होगा, तो अभी से 2 से 2.5 महीना मान के चलिए बचा हुआ है। तो अभी ड्यू टू सिचुएशन में बता सकता हूँ कि अभी कोई फिक्स नहीं किया जा सकता है, लेकिन आपका चांसेस मुझे लगता है ऑफलाइन होगा, लेकिन अगर कोरोना उस टाइम तक रहता है तो सिचुएशन के हिसाब से आपका चेंज मोड हो सकता है। लेकिन आप अभी माइंड में सेटअप करके चले कि मेरा पेपर ऑफलाइन मोड में ही होने वाला है और स्टडी आप अच्छे से करें। तो यह नोटिफिकेशन था कि आपका पेपर ऑफलाइन मोड में होगा, अभी तक का नोटिफिकेशन यही है। और जैसे कोविड के केसेस बढ़ते हैं या कोविड उस टाइम तक रहता है, तो मे बी ऑफ ऑनलाइन होने का चांसेस है। और कोई अभी ऐसा हरियाणा स्टेट बोर्ड का टेक्निकल एजुकेशन के अंदर कोई भी कॉलेज बंद नहीं हो रहा है, अब कॉलेज ऑफलाइन मोड में लगाए। अगर कोई डाउट बच गया होगा फ्रेंड्स, तो नीचे आप कमेंट करना, मैं उसको सॉर्ट आउट करूँगा। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हैं, कॉलेज बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जो अभी ऑफलाइन मोड में, सॉरी, ऑनलाइन मोड में पेपर ले रहे हैं, जिनका पेपर जुलाई में भी है, जून में भी है, उन्होंने नोटिस निकाल दिया कि उन्होंने ऑनलाइन मोड में पेपर लेगा। आपको ये भी पता होगा कि हरियाणा बोर्ड और पंजाब बोर्ड ने 10वीं का पेपर रद्द कर दिया ड्यू टू कोविड, और 12 का पेपर, 12th का पेपर पोस्टपोन्ड है। तो वह ये नोटिफिकेशन था। सो थैंक यू।